एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी रीसेंट मेरे पास एक कमेंट आया कि मैम मैं बाहर से एक लड़का हूं बट अंदर से मैं एक लड़की हूं, यानी मैं आपको एक लड़की फील करता हूं और इसकी वजह से मुझे क्रॉस ड्रेसिंग बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ इसको ओपनली पहनना बट यू नो हमारा समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए मैं अपनी बहन की ड्रेस है वो छुप छुपाते हुए पहनता हूँ। क्या ये गलत है और क्या मुझे इस चीज़ को रोक देनी चाहिए? इस पर आप ज़रूर अपनी राय दें। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये बात होती है सेक्सुअलिटी की, ये बात होती है आपकी क्रिएटिविटी की, यू नो कुछ मेंटालिटी की भी होती है। बहुत सारे लड़के समझ ही नहीं पाते कि वो अंदर से क्या है, बहुत सारी लड़कियां भी समझ नहीं पाती। जब एज डेवलप होता रहता है तो उनकी फिर सोच बदलती रहती है, बाहर से वो एक कुछ और होते हैं अंदर से कुछ और होते हैं, ये होता ही है और हम बचपन से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं। पर कुछ ना डिफरेंसेस होती हैं। पहले जो होते हैं ना, वो उस कमेंटेटर के बारे में मैंने बात की थी कि वो छुप छुपाते हुए इस चीज़ को करते हैं, यानी कि वो अंदर से फील करते हैं कि वो लड़की हैं बट बाहर से वो समाज को दिखाते हैं कि वो लड़का, एक्चुअली बॉडी में वो लड़का ही है, अंदर की फीमेल उसकी लड़की जैसी है ना। उसको मन करता है कि वो लिपस्टिक लगाए, बालों को सवारे, घाघरा चोली पहने, साड़ियाँ पहने, सलवार कमीज पहने, लड़कियों के जैसे बात करे, लड़कियों के जैसे ही चलना फिरना उठना बैठना हर चीज़ें वो चाहता है बट वो कर नहीं पाता बिकॉज उसको डर है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, ह्यूमिलेट किया जाएगा, मुझे नीचा दिखाया जाएगा, अपमान किया जाएगा वगैरह वगैरह। तो वो छुप छुपाते हुए इस चीज़ को करते हैं। सब जब सोए रहते हैं तब वो अपने आप को जगाता है, तब वो अपने आप को उभारता है, रात के अंधेरे में अपने आप में उजाला पैदा करता है। अपनी बहन की हो, अपने मम्मी की हो, उसके पास खुद के भी हो, वो ड्रेसेस पहनता है, अपने आप को संवारता है, उस तरीके से संवारता है जैसे कि उसकी मन की इच्छा है। ये हो गई एक कैटेगरी। दूसरे की होती है वो है डिप्लोमेटिक, यानी कि वो चाहते हैं कि अपने आप को छुपा के रखना, हाइड करके रखना बट वो नहीं कर पाते। उनकी बातचीत, उनका रवैया, उनके चलने फिरने का ढंग, इवन बहुत बार खुद उनके कपड़े का ढंग, हर चीज़ें, किसी लड़की से बात कर रही है तो तेरा ये सलवार कमीज इतना पसंद है, कभी देगी मुझे पहनने के लिए, कुछ ऐसी बातचीत से ना लोगों के शक के निगाह में वो आ जाती है, कहते हैं कि ये पूरा का पूरा लड़का है ना या फिर कुछ और है, मतलब इसके साथ कुछ गड़बड़ है। ये जो शक के निगाह से उसको लोगों को देखते हैं, ये भी एक कैटेगरी का है, यानी कि वो छुपा के अपने आप को रखना चाहते हैं, वो छुपा के ही रखते हैं बट फिर भी लोगों के शक के निगाह में आ जाते हैं। बहुत बार बातचीत, रवैया, उठना बैठना, चाल चलन, बातचीत का ढंग, इवन ड्रेसिंग चीज़ें, बहुत सी चीज़ें फिर सामने आ जाती है। नंबर 3 वो है ओपन क्रॉस ड्रेसर, यानी कि वो बॉडी से एक लड़का है या फिर बॉडी से एक लड़की है बट ओपनली ड्रेसअप, बोलो आप, बातचीत, उठना बैठना, हर चीज़ें, इवन अगर मैं फ्रेंडशिप की बात करूँ, फ्रेंड्स की बात, हर चीज़ें, हर कैटेगरी में वो वही चीज़ को फॉलो करती है जो उसके मन में होता है। मैं अगर मैं एग्जांपल दूँ तो बहुत फेमस एक, आप लोगों में से बहुत लोग जानते हैं उसको, वो है मोंटी रॉय, बहुत फेमस टिकटॉक स्टार। अब अगर उसको बारीकी से देखो ना, मतलब कि जब वो ड्रेस में होती है समझ में नहीं आता कि वो एक लड़का है। यस, वो एक लड़का है बट उसके बातचीत का ढंग, अदाएं, उसके ड्रेसिंग सेंस, हर चीज़ें इतनी बढ़िया होती है, इतनी खूबसूरत तरीके से वो प्रेजेंट करता है अपने आप को कि दिखता है कि वो एक लड़की है बट एक्चुअली वो एक लड़का है। अभी पता नहीं वो क्या कर रहा है बट जब टिकटॉक बहुत फेमस था तो वो टिकटॉक से भी ज़्यादा फेमस थी, मुझे ऐसा लगता है इंडिया में। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, मोंटी रॉय फेमस था इसीलिए अभी भी फेमस है, इसीलिए मैं उसके नाम ले रही हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को लोगों को दिखाते हैं कि यस आई एम अ क्रॉस ड्रेसर और मुझे ऐसे ही रहना, ऐसे ही बातचीत करना, ऐसे ही उठना बैठना पसंद है। और हमारा समाज अभी थोड़ा बदल रहा है इसीलिए इस चीज़ को लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं बट कितना वो अलग बात है, बट हाँ ये अभी नॉर्मलाइज हो रही है। मैंने ये तो बता दी कि क्रॉस ड्रेसर्स होते क्या है, इनकी कैटेगरी क्या है, बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्रॉस ड्रेसिंग गलत है? देखिए हम अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं अगर वो सही मोरल में हो, अगर सही तरीके से हो, तो उसमें गलत क्या है? अगर आप अंदर से कुछ और फील करते हो, यानी कि अगर आप बॉडी से लड़का हो बट अगर आप अंदर से फील कर रहे हो कि आप लड़की हो, तो आपकी बॉडी में, आपके हार्मोन्स की बात करो, आपके ब्रेन की बात करो, हर चीज़ें आपकी वैसे ही क्रिएट हुई है। ये एक बायोलॉजिकल डिफेक्ट भी होता है जिसकी वजह से लोग इस तरीके से अपने आप को फील करते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, इंटरसेक्स के बारे में, लेस्बियन के बारे में, गे के बारे में, मैंने मतलब कि डिटेल्स में मैंने अलग अलग वीडियो बना के डिस्कस किया है कि ये बायोलॉजिकल डिफेक्ट क्या होता है। तो ये भी इस चीज़ का यू नो वन टाइप ऑफ पार्ट है इस चीज़ का। तो
मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कोई गलत है, बिकॉज मैं एक फ़ीमेल हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं एक फ़ीमेल हूँ, अंदर से भी मेरी हर जो चीज़ें हैं, अदाए, बात करो, बातचीत, पसंद नापसंद, फेमिनाइन है। तो मुझे, अगर मुझे कोई बोलेगा कि तुम्हें लड़कों जैसा कपड़े पहनना है, तुम्हें लड़कों जैसा चलना है, तुम्हें लड़कों जैसा बात करना है, मतलब कि तुम्हें एक लड़का बन के अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो मैं नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मुझे बार बार ऐसे अपने बालों पे हाथ फेरना, लिपस्टिक लगाना, काजल लगाना, या फिर अपने आप को सजना संवरना, नेल पेंट करना मुझे पसंद है। तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि तुम्हें बालों को छोटे छोटे करके काट लेने हैं, लड़कों जैसे कपड़े वैसे पहनने, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मेरी बॉडी क्या है, जो लोग ऐसे सोच के हैं ना, जो लोग के अंदर से ऐसी सोच है, वो अपने आप को फील वैसा ही करते हैं जैसा मैं फील कर रही हूँ अपने आप को लेके। वो फिर इस चीज़ को, जो लोग प्रॉपर क्रॉस ड्रेसर होते हैं यानी कि दिखाते भी हैं, वो फिर इस चीज़ को दिमाग से ही निकाल देते हैं कि उनकी बॉडी है क्या। वो जो फील करते हैं ना, वही अपने आप में हावी कर लेते हैं कि मैं एक लड़का हूँ या फिर मैं एक लड़की हूँ और मुझे ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बिता देनी है। बहुत लोग तो सर्जरीज कर लेते हैं, अपने आप को चेंज करवा लेते हैं। इवन मैंने बहुत रिसेंटली BBC न्यूज़ में भी एक न्यूज़ देखी कि एक ट्रांसजेंडर के साथ एक लड़के ने शादी कर ली और ट्रांसजेंडर है वो, उसकी वाइफ है। तो समाज धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। अब कितना देर लगेगा, कितना वक्त लगेगा पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने में, आई रियली डोंट नो अबाउट इट, बट यस, अभी धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट लोग कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि हम ना अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा फोकस करेंगे इसके बजाय कि दूसरे क्या कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।